हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का 18 सितंबर का मैथ का क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 60 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 और प्लस है सेक 60। इसका वैल्यू पूछा गया है, ये कानपुर रीजन का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। कॉट 45, टेन 45 क्या होता है, 1 होता है हमेशा, तो कॉट 45 का 1 हो गया। और सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 का वैल्यू होता है, देखिए कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होगा। बस यहां से एलसीएम ले लीजिए, 2 रूट 3 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, और हम लोग को निकालना है साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कब बराबर होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 होता है। क्यों, क्योंकि साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2। तो अब क्या करेंगे, इस जो हम लोग को फाइंड करना है, जो क्वेश्चन साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 45। तो 45 पुट करिएगा तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/√2 पर पावर 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 पर पावर 4 और टेन 45 क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 और प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 6/4। तो ये कट के क्या आ गया, 3/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1.5 या 3/2, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिल्ली रीजन में पूछा गया। दिल्ली रीजन में बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जैसे कि रिव्यू मिला है उसके अनुसार। टेन 60 प्लस आपको साइन 60 प्लस कॉस 60 का वैल्यू पूछा गया है। देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है, जो जहाँ से हम लोग लाइव होते हैं, जहाँ पर कैंडिडेट जाते हैं, वो है हैदराबाद जोन का, ठीक है। तो हैदराबाद जोन का भी आए, और जो जो क्वेश्चन हम लोग के व्हाट्सअप ग्रुप से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो क्वेश्चन भेजते हैं, उसको भी हम लोग एडअप करते हैं। मगर लाइव सेंटर से जो क्वेश्चन आया है, ऑलमोस्ट उसी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, कल भी देखेंगे कि दो कैंडिडेट हमेशा लाइव सेंटर पर रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जो भेजते हैं उसी को हम लोग डालते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि खुद से क्वेश्चन इतना, मतलब कि हम लोग के चैनल पर जाके देखिए, बहुत सारा वीडियो ALP का जाके देखिए, ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट का सारा क्वेश्चन हम लोग डाले हुए हैं। और आज आपके ALP का रिजल्ट आ चुका है, आप क्वेश्चन मैच कर लो, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन मैच कर लो, आपको जोन बाय जोन क्वेश्चन जो होगा वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन एक भी हम लोग फर्जी नहीं डालते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो क्या नहीं हो, मगर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डालते हैं, जो कैंडिडेट सेंटर से निकल कर जो क्वेश्चन बताते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, प्लस साइन 60 प्लस कॉस 60, इसका वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो टेन 60 का वैल्यू होता है रूट 3, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3/2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। सिर्फ आपको क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 रूट 3 प्लस रूट 3 और प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 रूट 3
प्लस वन बाई टू, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि से क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आया था। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देख लेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अभी। सिंपल इंटरेस्ट से क्या क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या दिया हुआ है कि रेट दिया हुआ है 6%, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, रेट मतलब दर होता है, दर कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, मतलब समय 3 साल का दिया हुआ है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 3600। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर सबको फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बहुत बेसिक से क्वेश्चन बता रहे हैं, इतना बेसिक से एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। तो प्रिंसिपल का क्या हो गया 3600, जो दिया हुआ रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 3, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 into 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो 648 आपको आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको कितना हो गया 648। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 45 रुपया, ठीक है, लॉस दिया हुआ है आपको, लॉस दिया हुआ है 20% का, ठीक है। तो हम लोग को सीपी निकालना है, सीपी क्या करना है निकालना है, तो सीपी निकालना है। तो देखिए 45% सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर हम लोग खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पर सामान बेचा गया हो। तो देखिए कोई दुकानदार है जो सामान 45 रुपये में बेच दिया है, ठीक है, मगर उसको 20% का लॉस हो गया, तो दुकानदार उस सामान को कितना में खरीदा था, तो 45, उसको कितना, उसको लॉस हुआ है 20% का, तो माल, ठीक है, लॉस हुआ है 20% का, तो 100/80, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 005/4 कट कर दिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225/4। इसको फर्दर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो 225/4 को 56.25, तो आप कह सकते हैं कि उस दुकानदार जो सामान लिया था वो था 56.25 रुपया का, मगर जब वो 20% लॉस पर बेचा तो ग्राहक को 45 रुपया में ही बेच के चला गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपको सिंपल इंटरेस्ट से। अब SCF LCM पर आते हैं, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं SCF LCM से क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन आया हुआ, दोनों बता देते हैं। आपको पता होगा कि LCM दिया हुआ है क्वेश्चन में, LCM कितना दिया हुआ है 250, और साथ साथ में आपको SCF दे दिया गया है, SCF दिया हुआ है 15, और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कितना 25। तो हम लोग को बोला गया है कि सेकेंड नंबर फाइंड कीजिए, सेकेंड नंबर को निकालिए। क्वेश्चन इस तरह था कि LCM ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 215 एंड द HCF, देर आर टू नंबर्स इन विच फर्स्ट नंबर इज 25 एंड द LCM इज 250, HCF इज 15, देन फाइंड द सेकेंड नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, हम सिर्फ डाटा आपको डायरेक्ट बता देते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, HCF into LCM equal to first number into second number, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब डायरेक्ट आपको याद है फॉर्मूला तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, 15 LCM कितना है 250 और फर्स्ट नंबर कितना है 25, तो आपको सेकेंड नंबर निकालना है, तो सेकेंड नंबर यहाँ से निकाले, देखिए 25 से इसको कटिए कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो सेकेंड नंबर आपका कितना आ जाएगा 150, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 150, ठीक है। यहीं पर आपको हम एक और LCM का क्वेश्चन आया है उसको भी बता देते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखिए 20, 28, 108 और 105 का LCM पूछा गया है, तो आप लोग LCM पूछा तो गया है, मगर LCM और HCF दोनों कमेंट सेशन में लिख कर बताइए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली आपको LCM निकालना और HCF निकालना। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है, ए बराबर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, और सी किसी काम को 60 दिन में करता है।
तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? देखिए क्वेश्चन हो गया, तो तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 60, तो 20 60, 30 2 60 और 60 से 1, मतलब ए जो है एक दिन में तीन काम करेगा, बी एक दिन में दो काम करेगा और सी एक दिन में एक काम करेगा। टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60, ठीक है। और ये एक दिन में ए कितना कर रहा है? 3। एक दिन में बी कितना कर रहा है? 2। सी कितना कर रहा है? 1। तो 3 2 5 और 6, इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 6, एक दिन का ये लोग का तीनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना हो गया? 6। टोटल काम कितना है? 60। तो 6 एक दिन में 6 काम करेगा तो ये टोटल कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? 10 दिन में। यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में आपका ये काम क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान ही आया है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा है क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000, ठीक है, रेट दिया हुआ है 12% के दर से, और ये ब्याज जो है ना, जो ये ब्याज है ये त्रैमासिक दर है, ठीक है, ट्राई मंथ पर है। क्या है? त्रैमासिक दर, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ट्राई मंथ, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 6 मंथ का। तो हम लोग को देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ट्राई मंथ से है तो आपको पता है कि जब अगर आपको रेट को आधा करते हो तो टाइम को दुगना करना पड़ेगा, उसी तरह हम लोग यहाँ पर ट्राई मंथ पर है तो यहाँ पर रेट को क्या करेंगे, रेट को डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 4% 12% डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया? 3%। तो टाइम को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, तो ये कितना हो गया? 24 मंथ। तो 24 मंथ हो गया, तो मतलब कहने का मतलब कितना हो गया? 2 ईयर हो गया। आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब रेट को आधा करोगे तो टाइम को दुगना करोगे, रेट को 3 गुना से घटाओगे तो टाइम को 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही नियम होता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में देखिए आपको पता है कि सबसे पहले एक चीज़ देखिए, रेट कितना है हम लोग का? रेट अब नया रेट हम लोग का ये है, क्वेश्चन वाला रेट तो 12% था मगर हम लोग ट्राई मंथ दे दिया है तो इसके चलते 4 से डिवाइड किए तो नया रेट हो गया और नया टाइम 2 साल का है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकेंड ईयर, ठीक है, ये दोनों ईयर हो गया। अब देखिए रेट कितना हो गया? 3/100 हो गया। तो 3/100 रेट हो गया और आपको प्रिंसिपल कितना है? 50,000 है, तो यहाँ से कितना हो गया? 1500 इसका पहला ईयर का हो गया और इसका भी 1500 सेकेंड ईयर का भी हो गया। मगर यहाँ पर ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो ये जो पहला ईयर है इस पर फिर से तो आपको लगेगा इंटरेस्ट, तो 1500 है इस पर, इसको 3/100 से इंटू करिए तो ये कितना हो जाएगा? 15 3 45, तो ये टोटल को जोड़ दीजिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर टोटल को जोड़ दीजिए, तो 1500 और प्लस 1545, तो ये टोटल कितना हो गया? आप दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 3045। और एक बात और याद रखिएगा कि देखिए ये तो आपको ये यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया 3045, मगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कोई ये पूछ देता कि दोनों का डिफरेंस कौन सा है तो आप 45 बोलोगे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 45 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान ही आया है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा है। क्वेश्चन आया है, देखिए एक क्वेश्चन आया है आपको सर्कल से, सर्कल का क्वेश्चन क्या था? एक सर्कल है मतलब वृत्त है, ठीक है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है, सर्कल एरिया कितना दिया हुआ है? 154 दिया हुआ था, सर्कल का एरिया 154 दिया हुआ था और हम लोग को सर्कमफ्रेंस खोजना था, सर्कमफ्रेंस निकालना है, हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो कहने का मतलब है कि एरिया दिया हुआ है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पहले फार्मूला देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, यही होता है,
ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है, तो हमको एरिया पता था, तो एरिया बराबर क्या दिया हुआ है 154, तो 154 तो एरिया की जगह क्या लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ठीक है 154। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब यहाँ से कट कीजिए, 11 से कितना मत में जाएगा 2, और ये 11 11 चौके 44, यहाँ से 2 से कट कीजिएगा तो 7 हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो गया 7 × 7, तो रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ से स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, तो रेडियस यहाँ से क्या आ गया 7 आ गया, रेडियस 7 आ गया। तो सरकमफ्रेंस निकालना है 2 22/7 और रेडियस क्या हो गया 7। अब देखिए इस फार्मूला में हम पुट कर दीजिए सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, ठीक है, तो ये साथ साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 44 आपका आंसर आ जाएगा। सरकमफ्रेंस कितना आ गया, सरकमफ्रेंस कितना आ गया 44। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा इशू नहीं था। देखिए दो क्वेश्चन और है, तो देखिए यहाँ पर एक रोम्बस से क्वेश्चन आया है रोम्बस से, तो यहाँ पर रोम्बस का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। एग्जैक्ट जो स्टूडेंट बताएं उनको एग्जैक्ट डायगोनल का डाटा याद नहीं था कि कितना आया था, बस एक डायगोनल उन्होंने बताया कि डायगोनल जो था, जैसे मान लीजिए ये रोम्बस होता है, आपको पता है कि रोम्बस का चारों साइड क्या होता है बराबर होता है, और जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो कितना पकड़ते हैं 90 डिग्री पकड़ते हैं। तो जो कैंडिडेट हमको बताएं ये क्वेश्चन, उन्होंने बताया कि एक डायगोनल उनको याद है, एक डायगोनल था 12, दूसरा डायगोनल भी दिया हुआ था, और हम लोग को इसका एरिया निकालना था, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि दूसरा डायगोनल हमको भी नहीं पता है, मगर हम कंसीडर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है, उनको एक ही डायगोनल याद था, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन एग्जैक्ट वो नहीं बता पाए, बस ये बताए कि दोनों डायगोनल दिया हुआ था उसका एरिया निकालना था। एक डायगोनल मान लीजिए 12 उन्होंने बताया, तो हम दूसरे डायगोनल को 16 मान लेते हैं, ठीक है। और जो दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को बराबर भाग में बाँट देते हैं, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि जो दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को बराबर भाग में बांट देते हैं, और रोम्बस का चारों साइड क्या होता है बराबर होता है। पूरा प्रॉपर्टी हम आपको बता देते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यही होता है रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है, ठीक है, और एक दूसरे को डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। तो मान लीजिए कि ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, और यहाँ पर BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, तो 16 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर O मान लीजिए सेंटर पर, तो ये देखिए AC का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है, और BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, तो ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, ठीक है, ये दोनों हो गया। तो अब देखिए, अब ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, AOB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको देख रहे होंगे, हम डार्क कर देते हैं आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये डार्क हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको पता है कि अगर ये ट्रायंगल है, ये ओ है, ए है और ये बी है, ओ बी का वैल्यू 8 है, यहाँ पर ये 6 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 8, तो ये हो जाएगा 10, मतलब रोम्बस का साइड कितना आ गया 10, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहाँ से एरिया इसका निकालना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट, ये हो गया 24, तो यहाँ से इसका इस पार्ट का एरिया कितना आ गया 24, उसी तरह कितना पार्ट है 1 2 3 4, तो 24 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 96। तो आपको इस तरह निकालना था रोम्बस का एरिया, और देखिए आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए ये सारा चीज़ें, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो आपको दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना करने का ज़रूरत नहीं था, हम आपको बेसिक से बता रहे थे, ठीक है, मगर एरिया अगर रोम्बस का निकालना हो, एरिया ये तो आप सीख गए, बेसिक तो आपको पता चल गया, अब आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं एरिया निकालने के लिए रोम्बस का, एकदम आसान सा है, जैसे कि आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, जब साइड निकालना होता है तब ये सब करना पड़ता है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको चुटकी में सॉल्व करना है, मतलब कि वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं लेना है, ये तो आप सीख गए कैसे निकलता है एरिया। अब रोम्बस आपको पता है कि रोम्बस है जिसका चारों साइड बराबर होता है,
डायगोनल डी वन और डायगोनल डी टू, ये डी वन हो गया, ये डी टू हो गया। तो आपको रोमबस का एरिया निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, हाफ डी वन इंटू डी टू, ये आपको रोमबस का एरिया हो गया, ठीक है। तो हाफ हो गया, डी वन कितना है 16 इंटू कितना है 12, ठीक है 8 हो गया। तो ये देखिए 12 इंटू 8 कितना, 12 बटे 96, 96। तो आप कितना लाए थे आंसर, 96 ही आया था, और यहाँ पर भी क्या हो गया, 96 ही आ गया। देखिए ये सारा हो गया। एक क्वेश्चन रेक्टेंगल से आया था, उसको भी देख लीजिए। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है, रेक्टेंगल का हम आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं, एरिया कैसे निकलेगा ये बता देते हैं। रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो आपको लेंथ दिया हुआ था क्वेश्चन में और ब्रेथ भी दिया हुआ था। मान लीजिए लेंथ दिया हुआ है आपको और ब्रेथ भी दिया हुआ था, आपको एरिया पूछेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।